कॉनकेव मिरर का ना प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, समझो ध्यान से, ठीक है। और दूसरा हमें एक और चीज पढ़नी है कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इनका प्रिंसिपल फोकस क्या है, ठीक है। तो हम पहले ना पहले फटाफट से ना कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। कॉनकेव मिरर कुछ इससे इस तरीके का बनता है, ठीक है। कल भी हमने पढ़ा था ये वाला सरफेस कौन सा होगा, ये बैक साइड वाला पॉलिश्ड, और ये वाला कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको क्या नाम देते हैं, पोल का, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। एक लाइन होती है जो कहां से पास हो जाती है, स्ट्रेट पास होकर जाती है। इस वाली लाइन को हम क्या नाम बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था, ठीक है। इसके बीच में कौन होगा, एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके जस्ट बीच में कौन बैठा होता है, फोकस बैठा होता है, ठीक है। तो होता क्या है देखो, ठीक है, अभी समझो कि ये चीज हम पढ़ी जा रही है वाली, ठीक है। ये वाला कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स से कॉनकेव है, कॉनकेव, ठीक है। अब देखो समझना ध्यान से, ठीक है। अगर ना मैं दो लाइट रेस को ना, ठीक है, ऐसे रिकॉन तेरे हाथ में लगेगी वरना बहुत तेज, देखो फटाफट बैठ जा फटाफट। अगर मैं दो लाइट रेस को ना अगर पैरेलल भेजता हूँ, ठीक है, एक लाइट रेस ऐसे बीम देखते रहना बस इस वाले की, ठीक है, एक लाइट रेस ऐसे और एक लाइट रेस ऐसे, ठीक है। अगर मैं इन दो लाइट रेस को ना अगर भेजता हूँ, ठीक है, वो देखना ट्राइपॉड के ठीक सामने पे, ठीक है, ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, ये वाला लाइट रेस, ये तो बहुत ही होगी अभी, ठीक है, ये वाला लाइट रेस आपस में कभी इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, वो नहीं कर रही है, ध्यान से देखोगे ना अगर, तो दोनों की दोनों क्या जा रही है, आपस में पैरेलल जा रही, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को, ठीक है, जो मेरे हाथ में ऐसे है ना, इन दोनों को अगर पैरेलल कर देता हूँ, ठीक है, अब देखना इधर वाली चल रही है दूसरी वाली कम चल रही ना। अब देखो अगर मैं ना इसको पैरेलल कर देता हूँ, ठीक है, मैंने अगर आपस में पैरेलल, तो ये लाइट रे दिख रही है आपस में, ठीक है, ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से देखना, तो क्या मत बोलो आंसर, पहले ध्यान से देखो इंटरसेक्ट कर रही है वो बीच में कहीं, ठीक है, ध्यान से देखो पहले एक बार, ठीक है। अगर ये दो लाइट रे है ना, ये दो लाइट जा रही तुम्हारे सामने से जा रही, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही है कहीं पर, ठीक है, बीच में जहां पर ये दिख रही है यहाँ पर ये लड़की बैठी है सामने येलो चोट में, ठीक है, इसके ठीक सर के ऊपर भी देखना आपका लाइट जा रही, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और वहां जाके फैल जा रही है, ठीक है। तुम ये पर देखो ना जहां पर मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पर देखना इन दो लाइट के बीच में, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये कम होगा, थोड़ा डिस्टेंस कम है, और वहां पर देखना पड़ते हैं वहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दो लाइट रेस को भेज रहा हूँ ना, ठीक है, दो लाइट रेस की होगी पैरेलल जा रही, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, दो लाइट रेस की होगी पैरेलल होगी, ठीक है। तो होता क्या है, ये लाइट रेस ना एक पॉइंट पे टकराती है, वो पॉइंट कौन सा वाला होता है, फोकस पॉइंट, ये लाइट भी यहाँ आगे टकराएगी और ये लाइट भी क्या होगी यहाँ के टकराएगी, ठीक है। ऐसी मेरे पास दो लेजर लाइट है, अगर मेरे पास तीन लेजर लाइट होती तो तीसरे पॉइंट पे कहाँ पे टकराता, इसी पॉइंट पे आगे टकराता, ठीक है। अगर मेरे पास चार लेजर लाइट होती तो फोर्थ लाइट भेजते इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल के प्रिंसिपल एक्सिस के, वो भी कहाँ पे टकराती है, इसी वाले पॉइंट पे आगे टकराती, ठीक है। अगर वो फिफ्थ लाइट है, फिफ्थ लाइट पे कहाँ पे टकराती, इसी पॉइंट पे टकराती है, ठीक है। तो यानी कि प्रिंसिपल फोकस का मतलब ये होता है कि अगर कितनी भी लाइट रेस, ये सबके सब क्या है, पैरेलल बीम है, ठीक है। पैरेलल बीम का मतलब कि जो मैं दोनों लाइट भेज रहा ना ऐसे करके, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल बन गया ऐसे करके, तो ये पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है। तो जितनी भी लाइट आएंगी ना पैरेलल, वो सारी सारी टकराने के बाद किस पॉइंट पे आगे मिलती है, फोकस पॉइंट पे, ठीक है। अब इसमें क्या सीन होता है देखो, जैसे लाइट रेज आएंगे ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट रेज आएंगी, ये आई फर्स्ट लाइट रेज, ठीक है, पहली लाइट रेज आगे पैरेलल, ठीक है, ये आई सेकंड लाइट रेज, ठीक है, फिर कौन सी लाइट रेज आई, थर्ड, ठीक है, फिर आएगी फोर्थ नंबर की, फिर होगी फिफ्थ नंबर की, ठीक है। होता क्या है, ये रिफ्लेक्ट हो गया ना ऐसे बिखर जाती है, मतलब लाइट रेज ऐसे बोल देते हैं कि एक लाइट रेस कहाँ जाएगी, एक लाइट रेस ऐसे जाएगी पास हो गए, ठीक है, दूसरी लाइट रेस कहाँ जाएगी, ऐसे पास हो जाएगी, तीसरी लाइट रेस क्या होगी, ऐसे पास हो गया, ठीक है, ये वाला लाइट रेस ऐसे करके पास हो जाएगी, लाइट रेस ऐसे करके पास, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, एक जगह पे क्या कर रही है सबको इकट्ठा कर रही है लाइट, और इसका मतलब क्या हो गया, डाइवर्जिंग का मतलब की लाइट को क्या कर दिए है, फैला देती है, ठीक है। अब देखो जो ये डॉटेड लाइन है ना, होता इसमें भी वही है, इसमें कहां पे मिलती है, फोकस पॉइंट पे, यहाँ पर भी फोकस में मिलती है, कैसे देखो, अगर मैं इनको डॉटेड बनाता हूँ, डॉटेड क्यों बना रहा है इनको, कल भी बता रहा हूँ मैंने, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, तो ये पॉली सरफेस की तरफ है, इधर की तरफ है, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो सबकी सब लाइट रेस मुझे कहां पे मिलती है, हमेशा फोकस पॉइंट पे, ठीक है। तो याद रखना कि ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव में मिलती तो फोकस के ऊपर ही है, बस इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी लाइट रेस होंगी इनको क्या करेगा, एक तरफ इकट्ठा कर देगा, और जिसमें क्या करता है लाइट रेस को फैला देता है, ठीक है। अब देखो कैसे फैलाता है, अगर इसमें दो लाइट रेस, ठीक है, यहाँ पर तो पांच छह लाइट रेस बनाई मैंने, हमारे पास दो लाइट रेस है, ठीक है। अगर मैं दो लाइट रेस को ना अगर मैं इसके पैरेलल भेजता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके पैरेलल भेजूंगा तो क्या कर रहा है, देखो फैला रहा है वो लाइट को, ठीक है। अगर पर्दे की तरफ देखोगे ना तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, एक बार मिरर की तरफ देखो, ठीक है, मिरर दिख रहा है, मिरर पर दो पॉइंट, हरे वाले पॉइंट दिख रहे होंगे दो, ठीक है,
इनका डिस्टेंस देखो कितना कम है और वहां पर देखो जो दो पॉइंट लिखे हुए उसका डिस्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा क्यों हो रही हो, क्योंकि जब भी दो लाइट आ रही है वो फैल जा रही है, मतलब दो लाइट सपोज एक लाइट ये आया और एक लाइट ये वाला है, तो दोनों लाइट क्या होगी आपस में फैल गई हो, तो होता है वही है कि हाँ बैठो गए एक दूसरे की दृष्टि और कैमरे में दिला देना बस फटाफट। देखो ठीक है, होता वो ये कि जैसे मैं दो लाइटें इसको भेजूंगा ना, ठीक है, यहाँ पर दो लाइटें आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अगर तुम पर्दे की तरफ देखोगे तो दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों बहुत फैल देगी लाइटें, ठीक है। तो उसका काम वही होता है कि दो लाइटें इसको क्या करता है फैला देता है, ठीक है। देखो जरा।